साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की बात करें तो विजय देवरकोंडा हमें नजर आए थे अर्जुन रेड्डी में, और अर्जुन रेड्डी जैसी सुपर हिट फिल्में दी हैं साउथ में विजय देवरकोंडा ने। वहीं अगर हम बात करें कबीर सिंह मूवी की, तो कबीर सिंह मूवी इन्हीं की मूवी अर्जुन रेड्डी का रीमेक थी। एक बार फिर से एक रीमेक बनने जा रहा है विजय देवरकोंडा की ही मूवी का, जी हाँ। और अगर हम बात करें इस मूवी की, तो वो मूवी भी सुपर हिट गई थी भाई। 5 करोड़ के बजट की मूवी ने 100 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर ली थी। जी हाँ, वो मूवी कोई और नहीं बल्कि है गीता गोविंदम। और अर्जुन रेड्डी की इस मूवी ने 5 करोड़ के बजट के बावजूद भी 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी बॉक्स ऑफिस पर। और इसी फिल्म का रीमेक बनेगा बॉलीवुड में, बनाएंगे कौन? हमारे फेमस डायरेक्टर रोहित शेट्टी। जी हाँ, रोहित शेट्टी ने रिसेंटली इस फिल्म के जो रीमेक राइट्स हैं वो खरीद लिए हैं। जैसे ही कबीर सिंह हिट हुई थी, बहुत सारे डायरेक्टर्स फिल्म मेकर्स चाहते थे कि उन्हें विजय देवरकोंडा की फिल्मों के रीमेक राइट्स मिल जाए। और अब रोहित शेट्टी ने विजय देवरकोंडा की फिल्म बनाने की ठान ली है, यानी रोहित शेट्टी जो है विजय देवरकोंडा की सुपर हिट फिल्म गीता गोविंदम का रीमेक बनाएंगे। वेल, उस टाइम तो ये फिल्म का बजट 5 करोड़ था, अब रोहित शेट्टी बना रहे हैं तो बजट भी बड़ा होगा, लेकिन कमाई कितनी बड़ी होती है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि रोहित शेट्टी जो है स्टार कास्ट कैसी लेते हैं अपनी इस फिल्म में।